हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 6। टुडे वी आर स्टडिंग एक्सरसाइज 3.7। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द नंबर इन ईच ग्रुप बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। सो प्रीवियस क्लास में आपने HCF निकालना सीखा था, लेकिन उसमें क्या है, आपने कंटिन्यूड डिवीजन मेथड की बजाय जो प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर था उसके थ्रू डिवीजन किया था। तो यहाँ आपको प्राइम फैक्टर का यूज़ ना करके इसमें कंटिन्यूड डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे डिवीजन करना है इसमें। सो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए 65 एंड 117। तो यहाँ हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 65 एंड 117। अब हमें इसे कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से निकालना है। तो देखिए हमें कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 65 है उसको बाहर रखेंगे और 117 को इनसाइड में। अब हमें क्या करना है, 65 से इसमें डिवाइड देना है। तो देखिए अगर हम 2 से देंगे तो 2 6 12 होता है, तो आगे 12 आ जाएगा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम देंगे, 1 टाइम। 65 बन 65। इसका टेबल भी हम इजीली बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर हम यहाँ 2 रखते तो 2 6 क्या होता है, 12, तो ये 11 से ऊपर जाती है सेकेंड टाइम में जो नंबर है, तो इसलिए हमने 1 टाइम दिया। आप देखिए इसको माइनस कर लेंगे, 7 - 5 = 2, 11 - 6 = 5। आप देखिए करना क्या है, यहाँ डिवीज़न हमारा जो रिमाइंडर है वो बचा है 52, और 52 में जो डिवाइज़र है हमारा क्या था, हमारा 65। इस नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी जिस नंबर से हम भाग दे रहे थे उस नंबर को अब डिवाइड करेंगे हम हमारे रिमाइंडर से, यानी 52 से। अब हमें इस नंबर में डिवाइड नहीं देना है बल्कि 65 में डिवाइड देना है। तो 52 = 52। अब देखिए 5 - 2 किया तो क्या बचा हमारे पास, 3, एंड 6 - 5 किया तो क्या बचा हमारे पास, 1। तो ये आ गया 13। आप 13 से किस में डिवाइड देंगे, इसमें नहीं देंगे बल्कि जो हमारा पहले वाला जो डिवाइज़र था उसमें, यानी हमें ऐसे ही चलना है, पहले इससे दिया है उसके बाद इसको यहाँ रख लेंगे और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड देंगे। अब उसके बाद जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड इस जो पहले वाला डिवाइज़र था उसमें, ऐसे करते हुए हम देंगे। तो 13 4 = 52। सो ये क्या हो गया, कम्प्लीटली कट गया। तो हमारा जो लास्ट जो डिवाइज़र था वो क्या आया, 13। तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, 13। तो इस तरीके से आपको इसके सभी क्वेश्चन करने हैं। एग्जांपल एक और देखते हैं हम, जैसे सी क्वेश्चन नंबर है 504 and 576। सो यहाँ इसको लिख लिया हमने क्वेश्चन नंबर सी को 504 and 576। अब देखिए इससे हम जो स्मॉल वाला नंबर है उसी से देना है हमें सबसे पहले, तो 504 से 576 में हम डिवाइड देंगे। तो देखिए दोनों ही काफ़ी नहीं आ रहा, अगर हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम ही देंगे 504। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 4 = 2 एंड 7 - 0 = 7। अब हमारा क्या आया, 72। अब देखिए जो 72 है उससे डिवाइड किस पे देंगे, जो डिवाइज़र था 504, यहाँ लिख लिया हमने। अब देखिए टेबल पढ़ के देखते हैं, जैसे 3 7 = 21, तो जो है 21 कम रहेगा हमारा
और 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 7 7 49। देखिए 7 7 49 आता है, लेकिन 7 2 14, 7 से देखकर देखते हैं यहाँ 7 2 14 का 1 4 1 कैरी, 7 7 49 और 150। सो ये हमारा क्या हो गया, पूरा डिवाइड। अब हमारा जो लास्ट जो डिवाइजर था वो क्या आया था, 72। तो यहाँ जो एस सी एफ आएगा वो आएगा हमारा 72। इसका एक, अब हम इसका एक 3 नंबर्स वाला डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर के दिया है 391, 425 एंड 527, इसको कैसे करना है, 425 एंड 527 इसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे ये देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, जो हमारा सबसे छोटा नंबर है उससे ही डिवाइड देंगे हम। अब डिवाइड हम इसमें भी दे सकते हैं या इसमें भी, जो भी नंबर आप कोई सा भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ 425 रख लिया, तो यहाँ 1 टाइम ही देंगे क्योंकि ये बहुत नियर नंबर है। आप देखिए 5 - 1 = 4 एंड 12 - 9 = 3। अब यहाँ 0 बचा, आप देखिए यहाँ 34 है, 34 से डिवाइड देखना है हमें 391 में। सो अब हम देखेंगे कि आगे 39 लाना है हमें, तो 6 3 = 18 और 9 3 = 36 27। एंड अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है 34, जो हमारा 391 से काफ़ी स्मॉल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ 0 ऐड कर लेंगे, तो 340 से हम 1 टाइम देंगे, तो 340 आएगा। अब इसमें से माइनस किया तो 1 का 1 9 - 4 = 5। अब 51 से हम 340 में डिवाइड देंगे, यहाँ देख सकते हैं इस नंबर को हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ 0 ऐड किया है हमने। अब 51 का 6 टाइम किया तो 306। अब यहाँ जो माइनस किया 10 - 6 = 4 एंड 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 - 0 = 3। अब यहाँ क्या आ गया हमारा 34। अब 34 से किस में देंगे, ये जो हमारा 51 था ऊपर उसमें, यहाँ 51 से में देंगे तो हम 1 टाइम देंगे। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, 34 से 51 में हमें ऐड देना है, तो 34 1 = 34। अब 11 - 4 = 7 और यहाँ बचा हमारा 1। अब 17 से किस में देना है हमें, इस वाले 34 में, तो 7 2 = 34। सो ये कट हो गया। अब देखिए हमारा जो लास्ट रिमाइंडर आ रहा है वो है 17। अब हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 527। इसमें हमें सिंपली डिवाइड देना है। अब देखिए 17 3 = 51, 51 में से माइनस किया 52 में से, तो 1 बचा और यहाँ 7 उतार लिया, तो 17 1 = 17। यानी अगर ये कम्प्लीटली कट हो जाता है तो ये जो एस सी एफ है वो हमारा करेक्ट है। तो 3 वाले नंबर्स में ऐसे करना है, पहले आपको एक नंबर से किसी भी नंबर में डिवाइड देना है, फिर जो लास्ट जो डिवाइज़र आता है उससे दूसरे वाले नंबर में सिंपली डिवाइड करना है। अगर वो कम्प्लीटली कट रहा है तो वो उसका एस सी एफ है। तो आप यहाँ बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं इसको ऐसे ही करेंगे सेम वे में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सारा एंड अलीशा हैव 351 एंड 837 मार्बल्स रेस्पेक्टिवली, दे मेक हीप्स ऑफ इक्वली नंबर ऑफ मार्बल, हाउ मैनी मैक्सिमम मार्बल कैन बी पुट इन अ हीप, हाउ मैनी सच हीप्स कैन बी मेड इन ऑल।
सो आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रू नंबर दिए हैं अलीशा और सारा के बाद जो मार्वल हैं वो हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सारा के पास कितने मार्वल हैं 351 एंड अलीशा के पास 837। अब हमें क्या करना है, दे मेक इक्वल हीप्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मार्बल। उन दोनों ने क्या है एक ही नंबर से मार्बल बनाए, यानी हमें जो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो पता करना है, और उसके बाद हाउ मैनी सच हीप्स कैन बी मेड इन ऑल, और उससे कितने जो हीप्स हैं उन्होंने बनाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए जो हम कंटिन्यूड डिवाइजर मेथड है उसका यूज़ करेंगे। तो 351 से 837 में हम डिवाइड देंगे। तो यहाँ देखिए 2 से देखेंगे अगर हम तो 2 3 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 2 टाइम देंगे। तो 2 1 2 2 5 10 2 3 6 1 7। तो यहाँ 2 टाइम अगर हम 351 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आ गया 702। अब इसमें से माइनस किया तो 5 3 1 यहाँ बचा हमारा 135। अब 135 से जो ऊपर वाला नंबर है 351 में डिवाइड देंगे। तो देखिए अगर हम 3 से देते हैं तो कैरी आएगा, तो ये बिग हो सकता है इसलिए हम 2 से देंगे। 2 5 10 2 3 6 एंड 1 7 2 2 2 1 2। तो यहाँ 1 एंड 15 - 7 तो यहाँ बचा 81 बचा हमारा जो रिमाइंडर है। अब 81 से हम 135 में देंगे, जो भी रिमाइंडर बचता जाए उससे जो डिवाइज़र था हमारा पहले वाला वो जस्ट उसी में देते चलना है हमें। तो 81 8 जार यहाँ 4 एंड 5 अब यहाँ 54 से 81 में देंगे। तो 54 से अगर हम 2 टाइम देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही देंगे 54। 11 - 4 इज 7 एंड 7 - 5 इज 2। अब 27 से 54 में देंगे 2 टाइम, 2 7 14 2 2 4 1 5। तो ये कम्प्लीटली कट गया और जो लास्ट डिवाइज़र आया हमारा 27। तो हम यहाँ लिख देंगे जो एचसीएफ आया हमारा 27 आया है, तो यहाँ लिख देंगे हाउ मैनी मैक्सिमम मार्बल कैन बी पुट इन अ हीप। तो यहाँ लिख देंगे 27 मार्बल्स कैन बी पुट इन ए हीप, यानी एक हीप में कितने मार्बल्स लगेंगे हमारे 27। उन्होंने इक्वल नंबर में लगाए हैं तो 27 एक हीप में लग जाएंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी सच हीप्स कैन बी मेड इन ऑल, यानी उनके पास जो जितने भी मार्बल्स थे उसमें से क्या है कितने हीप्स बन जाएंगे। तो देखिए एक हीप में कितने लग रहे हैं 27, तो हम टोटल नंबर लगा लेंगे पहले। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वो होगा हमारा 351 प्लस 837, इसको ऐड किया तो हमारा आएगा 8 8 एंड 11। अब देखिए जो हमारे 27 हीप्स हैं मार्बल्स लग रहे हैं एक हीप में, तो फुल में कितने लगेंगे नंबर और हीप्स इन 1188 मार्बल्स।
तो 1188 डिवाइडेड बाय 27, तो 27 से यहाँ डिवाइड देंगे हम, तो हमारा आएगा 27 4 और उसके बाद 4, तो 27 से हम डिवाइड देंगे 44 टाइम, तो हमारा आएगा 1188। तो इस तरीके से जो हीप्स बनेंगे 27 मार्बल के, वो 44 हीप्स बन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एलिस एंड मैरी मे आर मेकिंग सैंडविच, दे हैव 84 टोमेटो स्लाइस, 63 चीज स्लाइस एंड 105 कोकुम्बर स्लाइस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैंडविच कैन बी मेक इन इफ ईच सैंडविच हैज द सेम फिलिंग। ठीक है, तो अब हमें यहाँ जो एलिस और मैरी है वो क्या है, सैंडविच बना रही हैं, तो उन्होंने क्या है 84 टोमेटो की स्लाइस रखी हैं और 63 चीज़ की और 104 कोकुम्बर की। तो अब हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर सैंडविच, कितने सैंडविच मतलब बन सकते हैं, दे कैन मेक इफ़ ईच सैंडविच है सेम फिलिंग, यानी सारे जो सैंडविच है उसमें इक्वल फिलिंग है, तो इन सब का इक्वल कितना आएगा जो सैंडविच में रखा जा सकता है और कितने बनाए जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ हमने ये लिख लिया नंबर ऑफ स्लाइस, नंबर ऑफ चीज़ और नंबर ऑफ कोकम्बर स्लाइस। ठीक है, अब तीनों लिख लिए, तो अब हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या करना होगा उसके लिए, हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो स्मॉल नंबर है वो देख सकते हैं आप 63 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 63 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 63 से हमने स्टार्ट किया, किसी में भी दे सकते हैं 84 में चाहे 105 में, तो हम 84 में दे रहे हैं यहाँ, तो 63 बन रहा 63। यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा 1 एंड 2, 21। अब हम 21 से किस में देते हैं, जो ऊपर वाला डिवाइज़र होता है उसमें, 63 में दिया तो 3 टाइम जाएगा 63, तो ये कम्प्लीटली कट हो गया, 0 आ गया। अब 63, तो जो लास्ट जो डिवाइज़र आया वो हमारा था 21, तो अब क्या करेंगे 21 से हम 100 जो दूसरा नंबर है हमारा 105 में भी देकर देखते हैं, अगर ये कम्प्लीटली कट हो जाता है तो देखिए, अगर हम 21 में 5 से का टेबल पढ़ें तो 5 1 5 5 2 10, तो यानी 21 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा, जो पूरी तरीके से कम्प्लीट कट हो रहा है। तो यहाँ जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 21। तो यहाँ क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैंडविच, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैंडविच क्या होगा हमारा 21। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर थ्री डिफरेंट टैंकर्स कंटेन 496 लीटर, 403 लीटर, 713 लीटर ऑफ ऑयल, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ एनी टैंकर एग्जैक्टली। इसको भी आप एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से, जिसमें आपके तीन नंबर दिए हैं, तो सबसे पहले स्मॉल से आप डिवाइड देंगे किसी भी इन दोनों में से, और उसके बाद जो भी नंबर दूसरा आएगा उससे नेक्स्ट में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 करके बताती हूँ। यहाँ जो हमें लेंथ ब्रीथ एंड हीट दिया है ऑफ ए हॉल, एक हॉल का जिसमें जो हॉल की लेंथ है वो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, और जो ब्रीथ है वो है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डिमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमें जो लार्जेस्ट रॉड की मेज़रमेंट बतानी है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए जो लेंथ दी है वो हमारी क्या दी है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 800 सेंटीमीटर। तो अब 8 मीटर को हमने किस में चेंज कर लिया? 800 सेंटीमीटर में। इसमें प्लस कर दिए हमने हमारे जो 25 सेंटीमीटर थे उसको, तो ये टोटल कितने आ गई लेंथ हमारी? 825 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रीथ करेंगे हम, जो हमारी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 मीटर में 600 प्लस 75, तो ये होगा 675 सेंटीमीटर। तीनों को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे एंड हाइट जो हमारी है 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर प्लस 50, तो ये हो गया हमारा 450 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों को हमने एक जैसे मेजरमेंट में चेंज कर लिया है। अब हम इसका हाईएस्ट जो है लार्जेस्ट निकालेंगे लेंथ। तो लार्जेस्ट लेंथ निकालने के लिए हमें एलसीएफ निकालना होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे जो है हमारा 450। तो आप 450 से किसी भी नंबर में डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ हम दे रहे हैं डिवाइड 825 में। तो यहाँ हमने दिया, अगर हम 2 टाइम देंगे 2 4 8 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो 50 है वो भी डबल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम ही देंगे 450। 5 is 5, 12 - 5 is 7 एंड 7 - 4 is 3। तो यहाँ आया 375, जिससे हम डिवाइड देंगे 450 में। तो यहाँ भी 1 टाइम 375, तो यहाँ 5 एंड यहाँ कैरी लिया, तो 15 - 7 14 - 7 is 7। तो यहाँ 75 बचा, 75 से 375 में देना है हमें। तो यहाँ जाएगा आपका 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पास, 5 7 5 से देंगे यहाँ हम, तो 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी 5 7 ज़ा 35 और 2 37। तो ये पूरा कम्प्लीटली कट हो गया। तो ये हमारा जो लास्ट डिवाइज़र आया वो क्या आया? 75। अब 75 से हम डिवाइड देंगे 675 में। तो देखिए यहाँ जो 375 था वो हमारा 5 टाइम में आया था, तो इसको हम 9 टाइम में देंगे। 9 5 ज़ा 45 9 7 ज़ा 63 और 4 ऐड किए तो 67। सो ये आ गया हमारा जो लार्जेस्ट लेंथ आ रही है वो क्या आई हमारी? 75। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट वी डिवाइडेड 603 एंड 729 एंड 841 लीविंग रिमाइंडर 3 9 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो जैसे कि आपने एक्सरसाइज 3.5 में जो रिमाइंडर थे उसको माइनस करके फिर एलसीएफ निकाला था, ऐसे ही हम इसमें भी माइनस करके एलसीएफ निकालेंगे। इसमें से 3 माइनस कर देंगे, इसमें से 9 और इसमें से 1, फिर उसके बाद हम उसका एलसीएफ ये डिवाइज़र वाले मेथड से निकालना है आपको। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके बता दूँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 220 313 एंड 716 लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच के। तो देखिए यहाँ पर आपको
रिमाइंडर जो है 5 इन ईच केस दिया है, यानी यहाँ आपको दोनों नंबर में से 5 माइनस करना है, और जो 9 नंबर का दिया उसमें आपको सभी में 3 3 माइनस करना है तीनों में से। तो यहाँ हम 8 वाला करते हैं, यहाँ हमें दिया है 245 एंड 129। अब इसमें दिया है देखिए 5 इन ईच केस, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे दोनों रिमाइंडर में से, माइनस 5 और 129 माइनस 5, दोनों में से माइनस किया तो ये बचा हमारा 240 और ये बचा हमारा 1024। ठीक है, आप देखिए इससे हम स्मॉल वाले से बिग वाले में डिवाइड देंगे, अब देखिए 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कैरी भी आएगा इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से देंगे हम, 4 4 8 और 4 4 16 वन कैरी, 4 2 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारा 960। अब 4 माइनस 0 किया तो 4 एंड यहाँ कैरी लिया तो 12 माइनस 6 इज 6 और 9 माइनस 9 इज 0, तो यहाँ क्या बचा हमारा 64 से डिवाइड देंगे आप 240 में। अब यहाँ 64 से डिवाइड दिया हमने, अब अगर हम 4 से देते हैं तो 4 6 24 तो आ जाएगा, लेकिन पीछे जो 4 है वहाँ 0 की जगह जो नंबर आएगा जो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइप देंगे, 3 4 12 3 6 18 और 1 19, 10 माइनस 2 इज 8 एंड यहाँ माइनस 3 13 माइनस 9 इज 4, तो यहाँ 48 बचा, यहाँ 64 में देंगे तो 48 वन ज़ा 48, यहाँ 14 माइनस 8 इज 6 और यहाँ 5 माइनस 1 इज 4 इज 1 16, तो 16 ज़ा 48, तो इस तरीके से ये कट हो गया। सो यहाँ जो लास्ट डिवाइजर आया वो क्या है हमारा 16, तो आंसर क्या हो गया हमारा 16। तो ऐसे ही आप 7 और 9 का जो आंसर है वो ऐसे ही निकालेंगे, पहले रिमाइंडर माइनस करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, इसमें से आपको 8 माइनस करना है, इसमें से 10 और इसमें से 9, यहाँ दिया है 8 10 और 9 स्टूडेंट लेफ्ट, लेफ्ट माने चले गए, यानी हमें माइनस करने पड़ेंगे तब हम इसका जो साइज है वो निकाल पाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। यहाँ जो है आपको SCF बताना है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए पहले हम इसका SCF निकालेंगे, तो 391 है और 425 है। अब देखिए नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 391 जो स्मॉल है उससे हम डिवाइड देंगे वन टाइम, 4 और यहाँ बचा 3। अब देखिए इससे पहले भी हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था कि जो 34 आ था वो स्मॉल आ रहा था, तो हमने यहाँ क्या लगा लिया था 0, तो यहाँ वन टाइम देंगे 341 और 9 से 4 माइनस किया तो 5, 51 बचा और 51 से 340 में देंगे तो 2 टाइम दिया, 6 6 6 6 और 6 5 30, और यहाँ 10 माइनस 6 किया तो 4 बचा हमारा और यहाँ 3 का 3, तो ये 34 माइनस 51 में देना है, तो 34 बन गया 34
और 11 माइनस 4 इज 7 और यहाँ बचा 1। 17 से आप 34 में देंगे, 72 जा 34। ये कम्प्लीटली कट हो गया। अब देखिए जो लास्ट हमारा जो डिवाइजर आया 17 है, तो जो हमारा SCF आया इसके अकॉर्डिंग वो क्या आया 17। अब 17 से क्या करना है, उसने बोला है डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाय द देयर SCF। उनका SCF आया 17, तो हम इसको क्या करेंगे 17 से 391 में डिवाइड देंगे और 425 में डिवाइड देंगे। तो 17 टू जा 34, यहाँ कितने बचे 5, और तो 17 थ्री ज़ार 51। अब इससे इसमें देंगे तो 17 टू ज़ार 34, यहाँ बचे हमारे 8 और 17 फाइव ज़ार 55। तो ये आ गया, जो हमने इसको रिड्यूस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 23 अपॉन 25। आप भी ऐसे ही पहले इसका जो SCF है वो निकालें, उसके बाद उससे हम कट कर दें उसको।